सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, श्री बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको स्लिट्स में पाइपिंग लगाना बताऊंगा। बड़ी ही फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पे चाक में पाइपिंग लगाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया हुआ है और यहाँ पे गले में हमने पाइपिंग भी निकाली हुई है। जैसे हमने यहाँ पे डबल पाइपिंग निकाली हुई है, सेम इसी तरीके से हम चाक में बड़ी ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। काफी टाइम से व्यूवर की डिमांड थी हमारे कि हमें चाक में फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग लगाना बताया जाए, तो यहाँ पे मैं आपको आज बड़ी ही फिनिशिंग के साथ में डबल पाइपिंग लगाना बताऊंगा कि हम डबल पाइपिंग किस तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ पाइपिंग ये तैयार की हुई है और कुछ मैंने अभी तैयार नहीं की है, ताकि आपको मैं समझा पाऊं किस तरीके से मैंने यहाँ पे डबल पाइपिंग तैयार करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पाइपिंग लगाने से पहले देखना होता है हमें यहाँ पे घेरा किस तरीके से रखना होता है, घेरे का निशान कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको उल्टा कर लेते हैं, पीस को सीधा नहीं रखना है आपने, इसको उल्टी साइड कर लेना है। उल्टी साइड करने के बाद अब हमें यहाँ पे इस प्रकार से इसको बिछाना होता है, ऐसे फ्रंट और बैक के दोनों पल्ले हम आपस में मिला लेते हैं इस प्रकार। दोस्तों हमने फ्रंट और बैक अच्छे से सेट कर लिया है ऊपर नीचे। अब हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं जितना हमारा यहाँ पे हिप का नाप होता है। जैसे हिप का नाप यहाँ पे हमारा है 21.5 इंच, तो हम तकरीबन 22 इंच घेरा रखेंगे, एक सेंटर में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और 11 इंच इधर रखेंगे और 11 इंच हम इधर रखेंगे इस प्रकार। इस निशान को ऊपर हिप वाले जो सिलाई होती है उससे इस प्रकार से जोड़ लेते हैं, ऐसे दोनों साइड में सेम इसी तरीके से मिलाएंगे निशान को। अब हमें दोस्तों बाहर की साइड देखना है, मार्जिन हमारा कितना रहना चाहिए। तो बाहर की साइड हमारा कम से कम 1.25 इंच का मार्जिन रहना चाहिए पूरे चौक में। अगर आप पाइपिंग नहीं निकालते हैं तो यहाँ पे ये मार्जिन हमें 1.5 इंच का चाहिए होता है। अगर पाइपिंग निकालते हैं कम से कम 1.25 इंच का हमारा यहाँ पे मार्जिन होना चाहिए, तभी हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग कंप्लीट कर पाएंगे स्लिट्स की। तो ऊपर से भी हम 1.25 लेंगे और इधर से भी। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा होता है तो उसको इस प्रकार से निशान लगाते हैं और कटिंग कर लेते हैं ऐसे। क्योंकि हमें फिनिशिंग से पाइपिंग लगानी है तो हमें ध्यान रखना है एक एक पॉइंट का, कि कौन सा पीस हमें कहां से किस तरीके से कटिंग करना होता है। दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरीके से निशान लगाएंगे, और अगर यहाँ पे भी एक्स्ट्रा होगा तो इसको भी हम हल्का हल्का कट करेंगे, क्योंकि सेम ही कटिंग होती है। अगर एक्स्ट्रा होता है तो दोनों साइड ही होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये कटिंग कर ली है फिनिशिंग के साथ में। अब हमें यहाँ पे लेंथ के निशान लगाने हैं, जो घेरे वाले निशान होते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे घेरे का निशान भी लगा लेते हैं ऐसे, और इस निशान को हम नीचे की साइड इस तरीके से लगाते हैं लेंथ के हिसाब से। दोनों साइड में इस प्रकार से लग जाएगा निशान हमारा। अब दोस्तों निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरीके से आपने सिर्फ निशान लगाने हैं, सीधी साइड आपने कोई भी निशान नहीं लगाना है। तो आइए सीखते हैं हम इसको स्टिचिंग कैसे करते हैं पाइपिंग के साथ में। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम पाइपिंग बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई वाली ये पट्टी ली हुई है, जिसमें से हम पाइपिंग तैयार करते हैं, और सिंगल फुट लिया हुआ है क्योंकि डबल फुट हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा। पाइपिंग में हमें सिंगल फुट लेना होता है, ये हमारे पास सिंगल फुट है। यहाँ पे हमने ज्वाइंट किया हुआ है सिंगल फुट। अब हम यहाँ पे इस प्रकार से कपड़े के सेंटर में रखते हैं पाइपिंग को, और यहाँ पे एक साइड में इस तरीके से लगा लेते हैं। तो सिंगल फुट हमारा जो चलेगा, जो नीडल आएगी, धागे जो होता है ये धागा डोरी वाला, इसके बिल्कुल साइड में आती है, तो हमारी बारीक डोरी वाली पाइपिंग यहाँ पे आसानी से तैयार हो जाती है इस प्रकार से, आप देख पा रहे हो।
ऐसे ही हमें यहाँ पे ये पाइपिंग निकालनी है। अब हम दूसरे कलर की पाइपिंग भी निकाल लेंगे, यहां पे भी सेम तरीका होगा हमारा। इस प्रकार दोस्तों हमने दोनों पट्टियों में यहाँ पे पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको डबल करनी है, तो डबल करने के लिए हमें देखना होता है यहाँ पे ऊपर नीचे हमें पाइपिंग कौन सी रखनी होती है, क्योंकि डबल आपने पाइपिंग करनी है तो ये इस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर नीचे हमारी कौन सी पाइपिंग आनी चाहिए। तो नीचे जो आनी चाहिए वो हमारी ब्राइट कलर की पाइपिंग आनी चाहिए और ऊपर हमारी डल आनी चाहिए, और कपड़े को देखते हुए हम ये पाइपिंग को यहाँ पे अटैच करते हैं। अगर कपड़ा हमारा डार्क कलर का है तो हमने ऊपर की साइड रखनी है ब्राइट कलर, और अगर लाइट है तो नीचे की साइड रखनी है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम दोबारा से जो हमारी नीचे वाली पाइपिंग है, नीचे की साइड की जो सिलाई होती है, इसी के साथ में हम ऊपर वाली पाइपिंग यहाँ पे इस प्रकार से रख लेते हैं ऐसे। अब हम यहाँ पे फिर से इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे जो ऊपर वाली पाइपिंग वाली हमारी सिलाई है। यहाँ पे दोस्तों बड़ी ही आसानी के साथ हम ये डबल पाइपिंग तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने यहां पे ये पूरी पट्टी की डबल पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। कटिंग हमें दोस्तों आधा इंच की करनी है यहाँ पे इस प्रकार से, ज्यादा चौड़ाई नहीं रखनी होती है, सिर्फ आपने आधा इंच की, आधा से हल्की कम भी चल जाएगी लेकिन ज्यादा आपने यहाँ पे मार्जिन नहीं छोड़ना होता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पे पाइपिंग तैयार कर ली है। बाकी की ये है सिर्फ एक चाक के लिए, बाकी के जो तीन चाक बचते हैं हमारे, क्योंकि टोटल चार होते हैं, दो फ्रंट के दो बैक के, उनके लिए भी हम सेम तरीके से पाइपिंग कंप्लीट करते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको लगाने का तरीका। दोस्तों चारों चाक के हिसाब से हमने यहाँ पे डबल पाइपिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। अब इसको हमें कमीज में अटैच करना है। कमीज में अटैच करने के लिए हम यहाँ पे फ्रंट रखेंगे इस प्रकार से उल्टी साइड, उल्टी साइड हमारा ऊपर की साइड होना चाहिए, और जो यहाँ पे पाइपिंग रखेंगे वो रखेंगे इस प्रकार से सीधी साइड ऐसे। अब हमें यहाँ पे पाइपिंग के साथ साथ एक सिलाई लगानी है। जो हमारी पाइपिंग वाली सिलाई होती है उसी के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं।
जहां पे हमारा चाक होता है, चाक जहां तक होता है उससे हमें ऊपर 1.25 इंच या 1 इंच तक पाइपिंग लगानी होती है। उसके बाद वाली जो पाइपिंग होती है एक्स्ट्रा होती है, तो उसको हम कट कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पे हम पक्की सिलाई करते हैं, धागे की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे दोस्तों एक साइड एक चाक में पाइपिंग अटैच की है। अब हम दूसरी साइड भी इसी पॉइंट पे जहां तक चाक होता है उस जहां तक हमने पाइपिंग लगाई है चाक से ऊपर, वहां पे ऐसे निशान लगाते हैं। और यहां पे भी हम सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पाइपिंग अटैच करते हैं। ये हमारा दूसरी साइड का चाक हो गया है। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे चाक में दोनों साइड यहाँ पे पाइपिंग अटैच की है। तो पाइपिंग हमारी इस प्रकार से आएगी, ये चाक है यहाँ पे ऐसे और ये हिप का निशान है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखो ये इसको ओपन कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। चाक की फिनिशिंग अभी हमारी इस प्रकार से है ऐसे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पाइपिंग को इस तरीके से ऐसे करेंगे और यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर देंगे जहां तक हमारी ये चाक वाला जो एक पॉइंट होता है हिप का, हिप की सिलाई होती है इसके पास में ऐसे। और यहाँ पे इस प्रकार से फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई लगाएंगे ऊपर से ऐसे। इस प्रकार दोस्तों अब हम यहाँ पे ऊपर से बिल्कुल सफाई के साथ में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। दबाव हमने बिल्कुल बराबर रखना है, क्योंकि अगर कम ज्यादा हो गया तो फ्रंट बैक का हमारा ये जो पीस होता है नेड़ा चौड़ा हो जाता है। तो इसीलिए इस पट्टी की चौड़ाई बिल्कुल बराबर रखनी है। प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे पाइपिंग की सिलाई कंप्लीट की है। अब इस मार्जिन को जब इस साइड हम अंदर की साइड फोल्ड करते हैं तो सीधी साइड हमारी यहाँ पे इस प्रकार से ये पाइपिंग नजर आती है ऐसे। इस प्रकार दोस्तों हमने एक चाक में फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे ये पाइपिंग कंप्लीट की है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि बिल्कुल सीधी पाइपिंग होगी बारीक डोरी के साथ में इस तरीके से। अब दूसरी साइड भी हम सेम यहाँ पे सेम इसी तरीके से फोल्ड करते हैं जैसे हमने एक साइड में किया है। पहले हमने इस साइड से शुरुआत की थी लेकिन इस बार हम नीचे की साइड से शुरुआत करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना होता है जितना हमने फोल्ड यहाँ पे लगाया है ये वाला, उतना ही फोल्ड हमें इस साइड में लगाना है, तभी हमारे पल्ले बराबर आएंगे। आप चाहें तो निशान लगा लें या आप ऐसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आप कम ज्यादा लगाओगे सिलाई तो फिर यहाँ पे आपके पल्ले बड़े छोटे हो जाएंगे। यहाँ पे हमें बार बार चेक करना होता है एक दो बार में कि हमारी पाइपिंग यहाँ पे फिनिशिंग से आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे फिनिशिंग से है, सेम इसी तरीके से हम
ऊपर तक सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। इस पॉइंट पे आके ध्यान रखना होता है, यहाँ पे हमारी पाइपिंग जैसे इस प्रकार से होती है तो हमने बिल्कुल सिलाई के साथ में रखनी होती है ऐसे। अब हम सिलाई को यहाँ पे ऐसे उतार लेते हैं। दोस्तों दूसरे चाक की भी हमने पाइपिंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, जो कि सीधी होने के बाद यहाँ पे जो मार्जिन होता है अंदर की साइड फोल्ड हो जाता है, इसमें तुपाई हो जाती है और यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में हमारी ये पाइपिंग ऐसे आ जाती है। और मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा आपको जो हिप की सिलाई होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी एक खाई बनती है और यहाँ पे जो पाइपिंग आएगी हमारी इस प्रकार से आएगी बड़ी ही फिनिशिंग के साथ। तो दोस्तों दोनों साइड में हमने यहाँ पे पाइपिंग निकाल ली है एक चाक की, फ्रंट और बैक में। ये हमारे पास फ्रंट हो गया और ये बैक साइड होगी क्योंकि ये प्लेन है और इसमें यहाँ पे ये प्रिंट नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो हमने यहाँ पे निशान लगाए थे, निशान बिल्कुल हमारे आमने सामने है इस प्रकार से। और फिनिशिंग इतनी है दोस्तों कि देखते ही बनती है फिनिशिंग हमने कितनी यहाँ पे रखी हुई है, फिनिशिंग का हमने कितना ध्यान रखा है। अब दोस्तों जो दूसरी साइड होती है ये वाली हमारी, इसमें भी हम सेम तरीके से पाइपिंग निकालते हैं और चाक मोड़ के फिर मैं आपको दिखाऊंगा हमारा पूरा पीस किस तरीके से पाइपिंग के साथ तैयार हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पीस अपना कंप्लीट कर दिया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा फिर से पाइपिंग हमारी। नीचे की साइड यहाँ पे सिंगल नजर आएगी लेकिन सीधी साइड जो होगी ऊपर की साइड यहाँ पे ये डबल नजर आएगी। और दोनों साइड हमने बड़ी ही फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे कंप्लीट की है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस प्रकार से। इस तरीके से दोस्तों हमारी दोनों साइड की यहाँ पे पाइपिंग होगी और यहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई फर्क नहीं नजर आएगा। जैसे यहाँ पे घेरा भी हमारा फ्रंट बैक का बिल्कुल बराबर होगा इस प्रकार, चाक भी हमारे बिल्कुल बराबर होंगे और साइड से भी यहाँ पे जैसे क्या होता है कई बार फ्रंट और बैक कम ज्यादा हो जाती है इस प्रकार ब्रॉड में, लेकिन यहाँ पे दोनों साइडें बिल्कुल बराबर होंगी इस प्रकार से। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बुक करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।